नमस्कार, मैं हूँ आसिमा भट्ट। डॉक्टर सुधीर सक्सेना की कुछ कविताएं हैं जो मैं पढ़ रही हूँ। अलबत्ता, आपने प्रेम किया तो भी मरेंगे, और नहीं किया तो भी मरेंगे एक रोज। प्रेम से मौत खारिज नहीं होती, मौत का एक दिन मुअय्यन है। प्रेम से नहीं बदलती मौत की तारीख, अलबत्ता प्रेम से बदल जाती है जिंदगी अमूल चूल। अगली है सातवीं ऋतु। ऋतुओं से नाता नहीं है प्रेम का, कि प्रेम अपने आप में अलग ऋतु है। सातवीं ऋतु है प्रेम। छहों ऋतुओं को समोए अपने आप में प्रेम में ताप है, प्रेम में शीत है, प्रेम में बयार है, प्रेम में वृष्टि है। प्रेम को फर्क नहीं पड़ता ना आंधी से ना पानी से, उतना ही उदात फूटता है जिंदगी, ज्यादा विषम होती है परिस्थितियों की अपनी देह में, उमगता है हठात रोमांच, और मन डार पर फूटता है अचानक बौर। तो समझ लो आ गए जीवन में सातवीं ऋतु प्रेम की। अगली है यूरेका। अगर पानी में छपाक से कूदता नहीं आर्किमिडीज, तो भला कहां से होता एथेंस की सड़कों पर यूरेका यूरेका का शोर। लोग सचमुच भूल गए होते आर्किमिडीज को, तो फख्र करो हर उस आर्किमिडीज पर जिसने खोजा और पा लिया। नफरत करो उससे जिसने मार डाला अपने भीतर के आर्किमिडीज को, और तरस खाओ उस पर क्यों बंद कमरे में या सड़क पर कभी नहीं चिल्लाया यूरेका यूरेका यूरेका। अगली कविता है तानाशाह का पोस्टमार्टम। तानाशाह का पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम मत करो, मत करो पोस्टमार्टम डॉक्टर। डॉक्टर को रोको, फूंक दो या दफना दो इसे एकाकी एकांत में, या क्षुब्ध लहरों में फेंक दो इसकी लोथ, मगर पोस्टमार्टम मत करो। तानाशाह के शब्द का पोस्टमार्टम मत करो डॉक्टर, कि तुम हैरान रह जाओगे कि कैसे विज्ञान को धता बताता जीवित रहा ये तानाशाह। तुम पाओगे डॉक्टर कि वहां अनुपस्थित हैं कई जरूरी अंग। मसलन तुम पाओगे आंखों में नदारत है अश्रुग्रंथियां। मुमकिन है वहां हृदय का अता पता ही ना हो। और तुम डायरी में लिखो डॉक्टर कि मृतक की धमनियों में प्रवाहित है घृणा, और शिराओं में बहता है भय अबाध। अगली कविता है प्रवेशिका। चूहों से उतना ही डरो जितना चूहों से डरते हैं सूरतवासी। मक्खी से उतना ही डरो जितना मक्खी से डरता है हर निवाला। फफूंद से डरो रोटी और चमड़े की तरह। कालिक से डरो पावन वस्त्रों की तरह। डरो और लड़ो इनके आकाओं से अहिर्निश। ज्वालामुखी से डरो जितना डरता है पैम्पोई। समुद्र की लहरों से द्वारका नगरी की तरह। विध्वंस से डरो इनकाओं और मोहनजोदाड़ों की तरह। खालीपन से डरो मकबरे और ताबूत की तरह। डरो बस इतना कि डर कहीं घर ना बना ले तुम्हारी
देह के घर में। डरो बस इतना कि डर कहीं घर ना बना ले तुम्हारी देह के घर में। अगली है भरोसा। जो तत्व मेड लीव की तालिका में नहीं है, जो तत्व मेड लीव की तालिका में नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं इस दुनिया में एक दिन उन्हें खोज ही लेगा। कोई ना कोई वैज्ञानिक जो सुख आज नहीं है कहीं भी हमारी जिंदगी में, वो सुख हम नहीं तो हमारी संततियां तलाश ही लेगी इसी दुनिया में। ये छोटी सी कविता है, मैं फिर से पढ़ती हूँ। भरोसा। जो तत्व मेड लीव की तालिका में नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं इस दुनिया में एक दिन उन्हें खोज ही लेगा कोई ना कोई वैज्ञानिक। जो सुख आज नहीं है कहीं भी हमारी जिंदगी में, वो सुख हम नहीं तो हमारी संततियां तलाश ही लेगी इसी दुनिया में। ये थी डॉक्टर सुधीर सक्सेना की कविताएं। धन्यवाद।